आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है स्क्रीन प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है? हैं? ये तो बहुत ना इंसाफी है क्लास में आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला का इच्छा पढ़ने का है या नहीं। नहीं दिख रहा है सर। सीधा कैसे कर लूं मैं? अभी अभी इससे ज्यादा क्लियर तो हम ना ही कर सकते हैं जी। तो क्या कहते हो आप लोगों का परीक्षा कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन होना चाहिए। वाह भाई वाह। जैसे पता चलता है परीक्षा ऑनलाइन होगा, मंदिरों में नारियल का संख्या बढ़ जाता है, मार्केट में अगरबत्ती का बिक्री बढ़ जाता है। लेकिन पता चला निर्णय बदल गया, परीक्षा ऑफलाइन होगा, व्हाट्सएप में स्टेटस का संख्या बढ़ जाता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? क्यों तो ऑनलाइन होना चाहिए परीक्षा? क्या कर सकते हैं अब? हाँ आप लोग का तो ऑनलाइन ही होता है, रट लीजिए दो चार क्वेश्चन और बस एग्जाम हॉल में उल्टी करके आ जाइए जी। क्यों? मेरा चलता तो मैं परीक्षा ही खत्म कर देता, लेकिन आप जब जब काम मांगने आते तो उस समय तक मैं परीक्षा लेता। सर आप बोलते हैं परीक्षा ही खा देता, क्या कह रहे हो? आप बोलते हैं परीक्षा ही वो कर देता ना। हाँ फिर बोलते हैं परीक्षा वो करूंगा, परीक्षा मैं खत्म कर देता, जिससे कि भ्रम तो लोगों में नहीं रहता कि मैंने परीक्षा देकर के डिग्री लेकर के ज्ञानी बन गया। जब जब आपको काम चाहिए होता तब तक मैं परीक्षा लेता। कहने का मतलब मेरा ये है कि रियल जिंदगी का परीक्षा होता, आपके जीवन का परीक्षा होता, ये कुछ दो चार क्वेश्चन पूछ करके एग्जाम पास नहीं होता। एग्जाम पास करके डिग्री दे देना, सामने वाला को भ्रम हो जाना मैं ज्ञानी बन गया, ये बहुत ना इंसाफी है। सैटरडे को भजन करे थे और गए थे घर, नहीं पढ़ाए थे, क्लास नहीं चला था सैटरडे को, सिर्फ क्या अगले सैटरडे से सोच रहा हूँ बोल दूँ छुट्टी। क्या कहते तो हैं कि छुट्टी हो जाएगा, ठीक है जी, तो आप लोग बताएंगे जी हमने क्या पढ़ा था? नहीं बताओगे? तो विजुअल बेसिक में हमने पढ़ा क्या था, क्या आप लोग बताने का कृपा करेंगे मेरे ऊपर? लिस्ट बॉक्स। तो आप सभी लोगों ने पिछला प्रैक्टिस करा था क्या? नहीं किए थे? ये तो बहुत ना इंसाफी है। ओ क्या बात है, है? बुजुर्गों ने एक कहावत कहा है, आधा तजे पंडित सर्वस तजे गवार। क्यों? ये कहावत सतयुग में मेरे दादाजी ने बताया था, अब तो कलयुग हो गया है, ठीक है। सतयुग में मैंने कि काफी बचपन में बताया था मुझे, सच में सतयुग में हम थे कि नहीं थे पता नहीं जी। मैं कुछ लिस्ट बॉक्स के लिए बनाया था, ये वाला है, मिस्टर कमलेश आप कल आए थे ना, कल बोल रहा हूँ शनिवार को,
आपने क्या क्या प्रैक्टिस करा था आप बताएंगे क्या? क्या शनिवार को आपने क्या क्या प्रैक्टिस करा था बताएंगे आप? सिर्फ फिल्में देखा है? अच्छा, इधर मैं फिल्म का प्रमोशन करने नहीं बैठा। पढ़ाई कितना किए थे वो बताओ? नहीं किए थे तो क्लास में क्यों आए? घर में बैठ के फिल्म देख लेते, सो के देख लेते, टॉकीज में जाके देख लेते, 10 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद के बिक्री बढ़ा के देख लेते। मन नहीं करता था तो इंस्टीट्यूट का टाइम पास करने के लिए आया था? उसके लिए तो बहुत सारे टॉकीज ओपन हुए हैं, पार्क ओपन हुए हैं, पता नहीं क्या क्या ओपन हुए हैं। इंस्टीट्यूट आपको कौन बता दिया कि जाना चाहिए? वो भी अकेले, क्यों बताओगे? उस दिन तो कोई आया भी नहीं था। मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, अकेले आके टाइम पास करने का कौन सा वो था? हाँ, पढ़ने का मन बोलो करता ही नहीं, क्या करें, आ जाते हैं जबरदस्ती। क्या आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं फिर? मैं सुना नहीं, ये तो बहुत ना इंसाफी है। सुना नहीं मैं, लेकिन सुना क्यों नहीं? आपको फिर से कहना चाहिए था। मैं बिजी था, ये कैसे हो सकता है? चलिए जब आप कह रही हैं तो सच्चे होगा। झूठ बोलने का मोह माया है ना। चलिए, तो ये सारा काम हमने कर लिया था, ऐड कर लिया था, लिफ्ट बॉक्स में रिमूव कर लिया था, काउंट कर लिया था, सॉर्ट कर लिया था, सिलेक्ट कर लिया था वैल्यू, क्लियर। वैल्यू हमने सिलेक्ट करा था, नहीं करा था? सिलेक्ट कर लिया था, वैल्यू नहीं किया था? अच्छा, मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करना था, ठीक है, मल्टीपल डेटा के साथ काम करना है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक तो लूप के बारे में बता दूं, जिसको कहा जाता है फॉर ईच लूप, ठीक। फॉर ईच लूप आप पढ़ लो, तब इसका मल्टीपल वैल्यू को जो है प्रिंट आप कराना जान जाओगे, ठीक। मिनिमाइज करता हूं मैं इसको, विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूं जी, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में मैं क्लिक करूंगा और करूंगा कंसोल एप्लीकेशन में एंटर, ठीक। और यहां पे मैं क्या करूंगा, डीम नेम, क्या लिख दिया मैं, नेम, ठीक है, 10 या 10 के जगह पे 5 कर दूंगा, एज string स्ट्रिंग इक्वल टू, ऐसे कर दूं क्या मैं, फिर लिख दूंगा मैं राहुल, ठीक है, फिर लिख दूंगा कमलेश, ठीक है, जयसवाल लिख दूं, स्पेलिंग सही है जयसवाल जी? गलत है। चलिए, सेलिब्रिटियों को कभी जभी गलत नाम से भी पुकार लिया जाता है जब पता नहीं होता है तो। चलिए कोई और भी नाम बता दो, बंसराज, चलिए जी बंसराज लिख दिया। तो आपको एक नया टेक्निक बताता हूँ, इधर ना भी दो तो भी चलेगा, क्योंकि हम सीधा असाइन कर दे रहे हैं। अब एक नाम बताओ, पिंटू, चलो जी अब नाम बताओ, बाबू लिख दिया जी, सोना भी लिख दूं जी, सोना भी लिख दिया जी, चांदी भी लिख दूं, चांदी भी लिख दिया जी, हाँ बताओ क्या चीज हो गया ना। चलिए इतना बाबू सोना से काम हो जाएगा, सुमन लिख दें।
चलिए हो गया। और की किसी का नाम बाकी है? नहीं बाकी है ना, गुलशन भी लिख दें, ठीक है। स्पेलिंग सही है? और किसी का नाम लिखना है? ठीक है, किसी का नहीं लिखना है तो ठीक है। चलिए फॉर लूप में क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर ईच लूप में क्या होता है जी? ऐसे, ठीक है। यहां पे दे देता हूं एन, ठीक है, फिर इन, फिर नेम, ठीक, लिख के मारा एंटर। और यहां पे मैं क्या कर दूंगा जी, कंसोल डॉट रीड लाइन, इसको मैं उठा के लाऊंगा बाहर। गलती से लिख दिया था तो सोचा नीचे ले लाता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और यहां पे हम क्या कर देंगे, बाबू सोना को प्रिंट कर देंगे जी, ठीक है। चलिए जी, तो क्या होगा, यहां पे क्या है, नेम पूरा एक एरे है, राइट, इसका एक एलिमेंट उठ के आएगा एन में और एन को प्रिंट कर देंगे, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां से लूप चलेगा नेम में, नेम का एक एलिमेंट फिर से उठ के आएगा इसमें और यहां पे प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम क्या करते हैं जी, फॉर ईच लूप चलाते हैं। कितना खुशी का बात है, बड़ा आसानी से चल गया। एंटर कर दें, एंटर बोल रहा हूं, रन कर दिए, कितना खुशी का बात है, चल गया जी। तो सारा प्रिंट हो गया, सोना चांदी तांबा लोहा पीतल कांसा। चलिए जी, तो ये लूप आपको समझ में आ गया ना? नहीं आया, नहीं आया हो तो आप फिर से पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, 1000 करोड़ बार पूछ लीजिए। मैं मजाक कर रहा हूँ जी, सच में 1000 करोड़ बार मत पूछना, दिक्कत हो जाएगा। तो समझ में आ गया नहीं आया? नहीं आया। देखिए फॉर ईच लूप में क्या होता है, पहले लिखा जाता है फॉर ईच, फिर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, ठीक है। आप कुछ भी नाम लिख दें वेरिएबल का, ठीक है, सोना चांदी तांबा लोहा पीतल कांसा, ठीक है, कुछ भी आप लिख दें, कैसे, ऐसे, कुछ भी, ठीक, कुछ भी लिख दें यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम। और फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एरे, ठीक, यहाँ पे लिखा जाएगा एरे, ठीक, इसका एक एलिमेंट आएगा इसमें और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक। कितने बार लूप चलेगा, जितना एलिमेंट होगा उतने बार लूप चलेगा और इसका एक वैल्यू इसमें आके प्रिंट कर देगा। रन करेंगे, प्रिंट हो जाएगा, बढ़िया है, ठीक है ना। तो लिख लो, ठीक है, लिख लो फिर, ठीक है, ठीक है, लिख लिया आप सभी लोगों ने। चलिए, ये बहुत ज्यादा नाम आप लोगों ने बता दिया, ठीक है, अब ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बाबू सोना हो गए, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे कर दिया। अब आप लोग लिख लीजिए जी, ठीक। तब तक मैं रिकॉर्डिंग को रोक के रखता हूं, ठीक है। बाकी पीछे और क्या नाम था गरिमा, आपको मालूम है? नहीं मालूम है, कहाँ चले गए थे 10वीं लोग, देश का विकास रुक गया। अच्छा दुश्मनी है, इसीलिए गुलाम बन गया था भारत। पड़ोसी से अगर दोस्ती किया रहता तो अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे भारत का। पड़ोस को हमने दुश्मनी दुश्मन बना रखा है, इसीलिए हम गुलाम हो जाते हैं अंग्रेजों के जी। लिख लो, ऐसे सुविचार नहीं जल्दी मेरे मुंह से निकलते, याद रखना, ठीक है। अब सवाल ये आता है लूप मने का, ठीक है। आप लोग कितने लोग हो जो गाना सुनते हो मोबाइल से? सब सुनते हैं ना। तो ऐसा होता है ना कि आपके मोबाइल में कुछ फेवरेट गाना रहता है तो आप क्या करते हैं, रिपीट वाले में क्लिक कर देते हैं, राइट, और बस वही वही बार बार बजते रहता है, बजते रहता है ना। तो बार बार किसी चीज को रिपीट करना माने लूप कहलाता है, ठीक। किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को बार बार बोलना लूप हो गया। किसी बात को मतलब क्या,
बात कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, मतलब कोई स्टेटमेंट, हिंदी में बोले तो कहा जाएगा किसी वाक्य को बार बार बोलना, रिपीट करना, लूप कहलाएगा। ठीक, अगर इसी कंप्यूटर के भाषा में कहें तो किसी भी इस स्टेटमेंट को बार बार आपको रिपीट करना है तो लूप में डाल दीजिए जी। ठीक, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन, कुछ भी। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना है, तो बार बार रिपीट करना मतलब क्या करना, लूपिंग करना, लूप माने रिपीट करना। ठीक, तो यही कहलाता है जी लूप का माने। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया ना? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया होगा? आ गया सबको समझ में? पक्का आ गया सबको समझ में? नहीं आया? सबसे आखिरी से सेकंड नंबर जरा खड़े हो जाइए, कौन है जरा बताइए लूप माने क्या, बताइए लूप मतलब क्या। फिर से एक बार कहिए जरा, लूप मतलब क्या। दिमाग मत खराब करो। नहीं मालूम? मालूम है, थर्ड लाइन। हाँ क्या बोला आपने? बार बार रिपीट करना लूप कहलाता है। थर्ड नंबर कौन है जरा बताइए, आपके अनुसार क्या सत्य है? वही सत्य है, बोल के बताइए। थर्ड नंबर अच्छा लूप कहलाता है। सबसे आखिरी में कौन है? हाँ बताइए जरा लूप माने क्या। तो कमलेश ठीक ठाक है, जरा बताना लूप मतलब क्या। बताओ भाई लूप मतलब क्या। भूल गया, याद नहीं, सिर दर्द, पेट दर्द, कोरोना हो गया, आइसोलेट हो गया, ये बहाना नहीं सुनूंगा मैं। उत्तर दो, अब सब याद हो गया है? ये परिभाषा में साधारण इंसान के माध्यम की तो जैसा बता रहा हूं कि समझ जाए। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक ठीक है, किसी सेट ऑफ लाइंस को इटरेट करना है तो आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, किसी सेट ऑफ कोड को या सेट ऑफ लाइंस को रिपीट करना है या इटरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इटरेट हो रहा है, लाइन इटरेट हो रहा है ना। अभी मत पूछ लेना इटरेट माने क्या। इसीलिए बोल रहा था किसी चीज को रिपीट करना। ठीक है, इटरेट मतलब क्या करना, रिपीट कर दिया। ठीक है, चलिए जी सबको समझ में आ गया मेरे को लग रहा है। तो जयसवाल ठीक ठाक है ना? चलो मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है ठाक होगा। चलिए जी तो आगे चलें, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक, क्लोज कर दिया। मैं क्या चाहता हूं आपको मालूम है? मैं क्या चाहता हूं नहीं मालूम आप लोग को? बोलो, बिना बताया कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखो यहां पे मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट वैल्यू पे क्लिक करूं ना तो यहां पे सारा दिखाई देने लगे इस लेबल में कि मैंने क्या क्या सेलेक्ट करा है। राइट, ठीक है जी। या फिर मैसेज बॉक्स के रूप में प्रेजेंट करें, रिकॉर्ड में कर तो रहा हूं ना कि अच्छा हो रहा है। चलिए जी लिखना शुरू करते हैं हम अपना कोड। तो चलिए जी
तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, ठीक है, डीम आइटम्स या फिर क्या लिख दो, आइटम्स इक्वल टू, ठीक है, लिस्ट बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, ठीक, कोर्स लिस्ट बॉक्स लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, ये सेलेक्टेड आइटम्स क्या है, अरे है, ठीक, इस लिस्ट कोर्स में जो भी चीजें मैं सेलेक्टेड करूंगा वो जो है सेलेक्टेड आइटम्स प्रॉपर्टी में चला जाएगा, ये है एरे, इसका डेटा मैं डाल दिया इसमें, ठीक, जैसे कि मैंने ऐसे ब्रैकेट बना के इस तरह से मैं किया था ना, और एरे इसमें असाइन कर दिया था, ऐसे किया था ना तो यहां पे मैंने क्या करा, एरे को डाल दिया इसमें। अब मैं क्या करूंगा जी, आपको मालूम है अब मैं क्या करूंगा, नहीं मालूम क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा, कैसे लूप चलाऊंगा आपको मालूम है, नहीं मालूम है, ऐसे फॉर ईच, फिर यहां पे लिख दूंगा मैं आइटम, ठीक, इन आइटम्स, ठीक, ये लीजिए जी, ठीक, एंटर मार दिया, और यहां पे क्या कर दूंगा जी, मैसेज बॉक्स पे किसको प्रिंट कर दूंगा, आइटम को, ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा हमारा, रन कर दिया जी, देख लो, अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट वैल्यू पे क्लिक करा, आ गया HTML, और फिर क्या आ गया, C# आ गया, इन दोनों को सेलेक्ट मैंने करा तो अब क्या हो गया, विजुअल बेसिक जावा गेहूं, ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू पे मैंने क्लिक करा, इसकी वैल्यू आ गया, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया ना, आया नहीं आया, नहीं आया, मैं क्लोज करता हूं। ये एक तो वेरिएबल बनाने से अच्छा या इसको कट करो और आइटम्स के जगह पे पेस्ट कर दो, डिलीट कर दो, ऐसे कर दो, तो जो हम वेरिएबल में रख रहे थे वो वेरिएबल में हम नहीं रख रहे हैं, सीधा इसको मैंने यहां लिखा और इसको यहां पे लिखा और इसको यहां पे लिखा और रन कर दिया, और क्या हो गया, रन करने पे सारा वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक, आ गया ना। अब एक प्रश्न का आप मेरा उत्तर दीजिए, वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न ये है कि जो भी आइटम्स मैं सिलेक्ट करूं वो सारा आइटम इस लेबल पे दिखाई देने लगे, जैसे चेक बॉक्सेस में सेलेक्ट कर, चेक बॉक्स के केस में मैं सेलेक्ट करता था आइटम लेबल पे दिखाता था, उसी तरह से मैं सेलेक्ट करूं लिस्ट बॉक्स में और दिखाई, सेलेक्ट करूं मैं लिस्ट बॉक्स में और दिखाई दे से क्लिक करने पे लेबल पे, जरा आप लोग बताइए जी, समझ में आप लोग को आ गया या नहीं आया, तो बताइए मैं ऐसा क्या करूं, आप लोग बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए, चेक बॉक्सेस पे मैं बताया था आप लोगों को कैसे डेटा निकालना है, क्यों, मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लोग कंफ्यूज हो गए, नहीं आया समझ में, हाँ लेबल का वैल्यू लिस्ट बॉक्स में असाइन करना पड़ेगा, आपने जो सोचा ये बिल्कुल लटपटांग सोचा, इसे कुछ नहीं हो सकता, बताइए चेक बॉक्स का कितने लोग प्रैक्टिस किए थे, बताइए जरा हाथ उठाइए, लाल बहादुर शास्त्री के जितना ईमानदारी से बताइए कि आप लोग कितना प्रैक्टिस किए थे चेक बॉक्सेस का, क्यों नहीं बताएंगे,
नहीं कोई प्रैक्टिस करा? लगता है कोई प्रैक्टिस नहीं करा था, या प्रैक्टिस किया था तो क्या हो गया, सब भूल गए। क्यों? सिंपल सा बात है, डिम आइटम ये लिख दूंगा तो मजा नहीं आएगा। डिम फिर क्या लिखूं, सेलेक्ट अंडरस्कोर आइटम इक्वल टू डबल कोट दे दूंगा यहाँ पे जी, ठीक है। और फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर क्या करूंगा जी, सेलेक्टेड आइटम इक्वल टू सेलेक्टेड आइटम एंड स्पेस दे देता हूँ मैं एक ठो यहाँ, ताकि दो ठो, अच्छा अभी स्पेस नहीं दूंगा नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंटर, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं, उस लेबल का क्या नाम है, लेबल वन डॉट टेक्स्ट, वही मैं लेबल वन डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सिलेक्टेड आइटम को क्या करूँगा जी, असाइन कर दूंगा। मैंने आपको बताया था पर आप भूल जाते हैं, इसलिए मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है मुझे आपको, या आपने जो हमसे वादा किया था वो भूल चुके, ठीक है। चलिए मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्टेड वैल्यू पे क्लिक करा, ये तो एक में चपक गया, मजा नहीं आया। ऐसे किया, सेलेक्ट वैल्यू पे क्लिक किया, ये आपस में स्पेस नहीं है, पता नहीं चल रहा है, सेपरेट नहीं हुआ। सेलेक्ट पे क्लिक किया, ऐसे आ गया। थोड़ा सा चेंज हम कर देंगे, और क्या चेंज कर देंगे, बस और क्या चेंज करना था, ये हमने चेंज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, सारे आइटम्स के बीच में एक एक स्पेस जुड़ जाएगा। तो मुझे लगने लगा है कि आप सभी लोगों को समझ में आने लगा है। क्यों, समझ में आ गया सबको? सेलेक्ट वैल्यू पे क्लिक कर दिया, विजुअल बेसिक जावा सी शार्प आ गया, क्लियर। चलिए जी, आप उठाइए पेन और पेपर और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फोटो खींच रहे थे तो अच्छे से नहीं आया, ठीक है जी। हम पूरा कोड दिखाते हैं आपको कि हमने क्या लिखा था सतयुग में। खैर ये सतयुग में नहीं लिखा था, कल परसों लिखा था। तो आपको किसी भी लाइन का मतलब अगर नहीं समझ में आता तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो हमको यही लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है जी। चलिए सारा स्पेसेस मैं खत्म कर देता हूँ जी, इस तरह से ऐसे। चलिए आप खींच लीजिए फोटो, मोबाइल निकालिए, ठीक है। और कुछ लोग निकालिए पेन और पेपर, कॉपी में लिख दीजिए पूरा, ठीक। या फिर मोबाइल निकालिए और 8-10 बार फोटो को क्लिक कर दीजिए। आ नहीं रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, सारा नहीं आएगा। आप इतने का फोटो खींच लो ना, फिर मैं दिखाऊंगा बाकी। खींच लिया आपने फोटो, बाकी ये है, रुकिएगा। हाँ अब खींच लीजिए फोटो, हो गया जी, सब लोग खींच लिए, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था और फिर भी बताता हूं, ठीक है। क्या बता रहा हूं, गाढ़ा हुआ धन किताब का ज्ञान वक्त पे काम नहीं आता,
अगर आज के मॉडर्न स्टाइल में कहूं तो आपने पैसे उधार दे रखे हैं, वक्त पे काम नहीं आएगा। नोट्स बना के रखा है आपने, वक्त पे काम नहीं आएगा, याद करना पड़ेगा। उसी तरह से मोबाइल में खींचा हुआ फोटो काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग करिएगा जी प्रैक्टिस। चलिए आगे चले। चलिए, आपने रिमूव बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगा कोड, ये वाला कोड आ जाएगा सेलेक्टेड आइटम को रिमूव करने का, राइट। तो इसके लिए जी हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं ये चाह रहा हूं कि मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करूं और रिमूव कर दूं एक ही बार में। ठीक, बता दूं आपको मल्टीपल आइटम रिमूव करना, ना बताऊं? चलिए डिलीट मारा इसको, आता हूं मैं नीचे। मल्टीपल आइटम मैंने यहां पे क्या किया था, सेलेक्ट किया था। अब मैं इसी कोड को कॉपी किया सेलेक्ट करके और यहां पे आके पेस्ट कर दिया, और यहां पे मैं आया और यहां पे आके डिलीट मार दिया। ठीक, कर दिया ना? नहीं किया तो इस लाइन में किसी को दिक्कत तो होगा नहीं जी। मैं क्या करता हूं ना, यहीं पे करता हूं कोर्स लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। ठीक, रिमूव मेथड क्या करता है, इंडेक्स हम बताएंगे और इंडेक्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिमूव मेथड क्या करता है, हमको आइटम बताना पड़ेगा, मतलब वैल्यू बताना पड़ेगा, और वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो आइटम में क्या आ रहा है, अभी जो जो हम सेलेक्ट किए रहेंगे वो सारा चीजें आ जाएगा सेलेक्टेड आइटम में, मतलब इसमें, और ये सारा चला जाएगा इसमें, और सारा नहीं जाएगा, एक एक बार जाएगा, लूप चलेगा, और यहाँ पे बार बार रिमूव कर देगा, और काम हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं करके जी काम आता है कि नहीं हमारा ये ट्रिक्स। रिमूव पे मैंने क्लिक कर दिया, एक्सेप्शन आ गया क्या? क्या बोल रहा है ये, एन्यूमरेटर इज बाउंड व्हेन मॉडिफाई, ये तो बहुत ना इंसाफी है। हमारा ये टेक्निक काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे जी, बदल देंगे। ठीक, बदल देंगे इसको। ठीक है जी, कैसे बदल दूं, क्या दिमाग लगाऊं, आइडिया। हम चला लेंगे क्या, वाइल लूप, और बता देंगे फॉर ईच लूप को कि हम उसके भरोसे नहीं है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, आइडिया सोच लेते हैं जी। कोर्स लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट कहीं है क्या, काउंट। ठीक, इसको कर देते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो क्या करो, इस लूप के अंदर आ जाओ। ठीक, क्या करो, लूप के अंदर चले जाओ। ठीक है, और जैसे ही लूप के अंदर चला जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, बोल देंगे, क्या बोल देंगे, लेकिन डिम रिमूव। ठीक है, ऐसे कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं, मैं सीधा लिखता हूं। ठीक है, लिस्ट कंट्रोल डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, सेलेक्टेड आइटम्स में कर दूंगा मैं जीरो। ठीक, सेलेक्टेड आइटम जीरो का मतलब सेलेक्टेड का जो जीरो इंडेक्स है वो चला जाएगा इसमें। ठीक है, जीरो इंडेक्स क्या होगा, चला जाएगा इसमें, और फिर इसके बाद क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा इसी को। तो रिमूव कैसे किया जाता है जी, आप तो जानते ही हो, रिमूव डॉट रिमूव आइटम्स, सिलेक्टेड नहीं होगा जी, सिर्फ आइटम डॉट रिमूव, और रिमूव में क्या कर दूंगा, रिमूव लिख दूंगा जी ऐसे। ठीक, चलिए जी, जैसे ही मैंने रन करा, ठीक है, सेलेक्ट किया इसको, कर दिया मैं
रिमूव पार हो गया हो तो, फिर सेलेक्ट किया कर दिया रिमूव, गायब हो गया। इसको सेलेक्ट किया कर दिया रिमूव, अभी गायब हो गया। आपको समझ में आया क्या? नहीं आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझाते हैं। इस कोड को शॉर्ट कर दूं क्या थोड़ा सा? इसको शॉर्ट करूंगा बाद में, पहले आपको मैं समझा लूं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं एंटर एंटर करके क्या करता हूँ, ले जाता हूँ इसको थोड़ा नीचे, ताकि आपको बाकी कोड दिखाई ना दे, और जब दिखाई नहीं देगा तो सारा कंफ्यूजन, शायद कंफ्यूजन कम होगा। आता हूँ मैं यहाँ, ये देखिए, इसको मैं करता हूँ नीचे, देखिए जी, मैंने सेलेक्ट किया ऐसे, ठीक, फिर क्या, रिमूव बटन पे क्लिक, तो ये वाला कोड पूरा चलेगा ना? चलेगा नहीं चलेगा? चल जाएगा जी। तो क्या होगा, पहला यहाँ पे है लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट, काउंट करेगा, तो यहाँ पे सेलेक्टेड आइटम कितने हैं, 3 मैंने सेलेक्ट करा है, नॉट इक्वल टू 0, तो सेलेक्टेड आइटम डॉट काउंट करूंगा तो आ जाएगा 3, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, हाँ 3 0 के बराबर नहीं है, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने के बाद क्या होता है, लूप जो है अंदर आता है, कंट्रोल जो है लूप के अंदर आता है, ठीक। फिर चलेगा ये वाला लाइन, फिर यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, सेलेक्टेड आइटम्स में क्या आ जाएगा, एसक्यूएल, vb.net, जावा, ये तीनों आ जाएगा सेलेक्टेड इंडेक्स में, आ जाएगा ना। तीनों आने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास कर दे रहे हैं ब्रैकेट में, ठीक, 0, इंडेक्स नंबर 0 पास किए, तो अब यहाँ पे क्या आया है, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा है, एसक्यूएल है ना, 0 है एसक्यूएल पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एसक्यूएल, और ये एसक्यूएल चला जाएगा रिमूव नाम के वेरिएबल में, राइट। और फिर जैसे ये मेथड चलेगा तो क्या होगा, लिस्ट कोर्स आइटम्स डॉट रिमूव में चलेगा, रिमूव जाएगा इसमें, ये वेरिएबल इसमें चला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आ गया एसक्यूएल, आ गया ना एसक्यूएल, क्योंकि 0 इंडेक्स पे तो था एसक्यूएल, तो आ गया यहाँ पे एसक्यूएल, एसक्यूएल को कर दिया क्या, रिमूव, रिमूव कर दिया, एसक्यूएल डिलीट हो गया। अब कितना सिलेक्टेड है जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। अब ये देखिए, एसक्यूएल जब डिलीट होगा तो विजुअल बेसिक और जावा बचेगा ना सिलेक्टेड में। सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया था, एसक्यूएल, विजुअल बेसिक, जावा, यही। एसक्यूएल गायब हो गया, अब कितना बचा, विजुअल बेसिक, जावा, फिर से लूप जो है यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे काउंट करेगा सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट, क्या होगा जी, काउंट में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 ही अब सेलेक्टेड है ना, 1 तो गायब हो गया, नॉट इक्वल टू 0, 0 के तो बराबर नहीं है, 2 है काउंट, तो आ जाएगा यहाँ। अब फिर से जो है लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स में 0, 0 इंडेक्स पास किया है, 0 इंडेक्स का मतलब क्या है, विजुअल बेसिक है ना, विजुअल बेसिक है, और ये चला जाएगा रिमूव नाम के वेरिएबल में, और ये रिमूव नाम का वेरिएबल आ जाएगा इसमें, और इस वाले लाइन का मतलब, इस वाले लाइन का मतलब कि विजुअल बेसिक सेलेक्टेड था ना पहले इंडेक्स पर, अब विजुअल बेसिक डिलीट कर देगा, तो जब मैं विजुअल बेसिक को डिलीट कर देता हूँ मैनुअली, कर दिया रिमूव, अब क्या सेलेक्टेड है, सिर्फ जावा। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, काउंट में अभी क्या है, 1 सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 के तो बराबर नहीं है जी ये, ठीक। फिर आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले लाइन पे सेलेक्टेड आइटम्स में क्या आ जाएगा, 0 में जावा है ना, 0 पे ये चला जाएगा रिमूव में, और फिर ए वाला लाइन जो है रिमूव कर देगा, रिमूव करेगा, जावा को भी मैं कर देता हूँ मैं रिमूव, सारे आइटम रिमूव हो गए जितना सेलेक्टेड था। फिर से आ जाएगा यहाँ पे, अब आ जाएगा लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट, तो काउंट में अब क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ तो सेलेक्टेड अब कोई नहीं है, तो आ गया 0,
नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो जीरो के बराबर होता है ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फाल्स, और लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा कंट्रोल, और सारा आइटम्स हमारा क्या हो गया जी, दुनिया से गायब हो गया ऐसे, ठीक है। तो मल्टीपल रिमूव कैसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, समझ में आ गया तो उठाइए मोबाइल और खींचिए फोटो, ठीक है। हाँ ये है मल्टीपल आइटम रिमूव करने का कोड, ठीक है जी। इस कोड को मैं शॉर्ट करने के लिए बोला था ना, शॉर्ट कैसे करूंगा, इसको कर दूंगा कट, कट करने के बाद क्या करूंगा जी, यहां पे आके कर दूंगा पेस्ट, लो शॉर्ट हो गया जी। अब मैं पहला बार शॉर्ट कर देता तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता, ठीक है। अब भी काम करेगा जी, क्या लगता है आपको, नहीं काम करेगा, ले लीजिए काम कर गया जी, ठीक है। तो ये है उसका शॉर्ट में कोड लिखेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, चलिए जी। तो सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या है, समस्या, चलिए। इसको मैं करता हूं डिलीट, इस टेक्स्ट बॉक्स लोगों को, ठीक, सेव कर देता हूं। अब टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट किया हूं तो कुछ एरर आएगा क्या, हाँ एरर आ रहा है इन टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, ऐड आइटम वाले में, ठीक है। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं जो है, ठीक है, बस हो गया, अब एरर नहीं आएगा क्योंकि वो कंट्रोल को हमने वहां पे यूज करा था। एक मैं और लिस्ट बॉक्स ले लेता हूं और क्या करूंगा मैं, आप लोग देखिएगा जी मैं क्या करूंगा, ये है लिस्ट बॉक्स, ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स आ गया यहां पे। फॉर्म को बड़ा कर दूं क्या, कर दिए क्या, बड़ा, ठीक। मैं क्या चाह रहा हूं कि इसमें जो भी सेलेक्ट करूं, ठीक, और बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो, क्या हो आप लोग बताएंगे, क्या क्या बात है, आपका दिमाग इतना तेज है मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा बता दिया था मैं, अच्छा मैं बोला था बताने के लिए, चलिए जी बोला था तो बता दे रहा हूँ। ऐसे कर देता, ठीक, और इस बटन का नाम कर देता हूं मूव, क्या मैं लिख रहा हूं ऐसे, एम ओ वी, मूव लिख दिया इसका नाम, और इसमें ये डाल दिया टेक, ठीक। ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, क्या करता हूं मैं, इसका जो फॉन्ट है उसको बड़ा कर देता हूं जी। कैसे बड़ा होगा, यहाँ पे आऊँगा, जाऊँगा फॉन्ट में, ठीक है जी, और क्या करूँगा, बोल्ड कर दूँगा, 16 कर दूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा, तो इतना बड़ा हो जाएगा ये, ठीक हो गया। अब इस पे करूँगा डबल क्लिक, तो जैसे ही मैं इस पे करूँ डबल क्लिक तो जो भी आइटम सिलेक्टेड है, ठीक, इसमें जो भी आइटम सेलेक्टेड है वो इसमें चला जाएगा,
ठीक है जी, कर दो ना, कर देते हैं जी, शुभ काम में देर क्यों। इस लिस्ट बॉक्स का क्या नाम है, देखते हैं जी क्या नाम है। नहीं, लिस्ट बॉक्स वन तो नाम नहीं होगा है। अच्छा हाँ यार, लिस्ट बॉक्स वन ही नाम है। अच्छा, इसका नाम मैंने बदल दिया था, इसीलिए इसका नाम लिस्ट बॉक्स वन हो गया। इसका नाम है लिस्ट कोर्स, इसका नाम है लिस्ट बॉक्स वन। हमें क्या करना है, लिस्ट कोर्स का आइटम को डालना है लिस्ट बॉक्स वन में। तो डबल क्लिक कर देंगे जी, और फिर कोड लिखना क्या करेंगे, शुरू। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट क्या मैं लिख रहा हूं, सेलेक्ट अंडर स्कोर CORSE, सेलेक्ट कोर्स इक्वल टू लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम। ठीक, जो मैंने आइटम सेलेक्ट कर रहा है वो कहाँ चला जाए, लिस्ट कोर्स में। ठीक है जी, अब फिर इसके बाद मैं क्या करूं, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, नहीं बताओगे, इसको कर दो इसमें ऐड। ठीक, बस काम बन गया। जब आप क्लिक करा, इसमें क्लिक करा, आ गया, ये देखिए आ गया ना, बड़ा अच्छा टेक्निक है। इस पे क्लिक करा, आ गया, ये देख लीजिए। ठीक है जी, इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, आ गया। अब मैं मल्टीपल सेलेक्ट करके करूंगा तो क्या आ जाएगा, हाँ नहीं आया जी, हमारा फेल हो गया कोड, हमारा कोड फेल हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फेल हो गया तो हम पास करेंगे। तो इसमें सेलेक्ट करूं तो इसमें चला जाए, ठीक, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें से डिलीट हो जाए तो क्या करना चाहिए जी हमें, उसका लाइन कैसे लिखा जाएगा, ये कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, बताइए जी क्या करना चाहिए। फिर इसमें जैसे ही ऐड हो वैसे ही इसमें से क्या हो, डिलीट हो, तो क्या करना चाहिए हमें, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, अगर आप लोग बता रहे हैं क्या, कोई आइटम्स डॉट रिमूव कर दूंगा, यार सिंपल सा लॉजिक है, समझते नहीं हो, ऐसे कर देंगे। ठीक, ये लीजिए आ गया इसमें, ये देख लीजिए आ गया, आ गया ना, ये देख लीजिए, एक गया इसमें, दो तीन चार पांच, जितने बार क्लिक करा इसमें आ गया जी। ठीक, लेकिन एक ठो एक्सेप्शन आया था। ठीक है, इफ एक्सेप्शन आया था तो हम क्या करेंगे जी, हम हैंडल करेंगे उसको। ये देखिए नीचे दो एक्सेप्शन आया है ना, अभी इस पर क्लिक करूं तो क्या हुआ, नीचे एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गया ना। तो इसके लिए क्या हमको करना चाहिए जी, एक कंडीशन लगा देना चाहिए, इफ लिस्ट कोर्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर जीरो नहीं है तो क्या करो, तब ये काम करो, सिलेक्टेड आइटम जीरो है तो क्या करो, कुछ मत करो, या फिर मैसेज दे दो कि सिलेक्ट करने का। ठीक, अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, पर इस पर क्लिक करने पे मैसेज आना चाहिए कि भाई कोई आइटम तो सिलेक्ट कर ले, राइट। तो हम क्या दें, मैसेज कैसे देंगे, आसानी के साथ एल्स में,
एमएसजी बॉक्स, ठीक है, क्या देते हैं, सेलेक्ट कोर्स कॉमा, मैसेज बॉक्स का स्टाइल इंफॉर्मेशन दे देंगे कॉमा CORSE, हाँ बताइए कहाँ पे, कहाँ पे है ये, गलत भी होता है तो क्या दिक्कत है, प्रोग्राम तो चल ही जाएगा, लेकिन हमको खुशी है जान करके कि आप लोगों को क्या कह रहे हो, आप लोग का ध्यान तो है कोड में कम से कम, और गलत है मतलब अंग्रेजी आपको समझ में आ रहा है। क्लिक करा, सेलेक्ट कोर्स का मैसेज आ रहा है मेरे पास, ठीक। अब मैं इसको सेलेक्ट किया जी, मल्टीपल, एक क्लिक किया तो इसमें चला गया, एक क्लिक किया तो इसमें गया, फिर क्लिक किया तो इसमें चला गया, मैं क्या बार बार क्लिक करता रहूं, मजा नहीं आएगा, ठीक, नहीं आएगा ना मजा, एक बार क्लिक करो और सारा इसमें आ जाता तो कितना अच्छा था ना। बस वही काम अब हम अब करने वाले हैं, कैसे, बड़े आसानी के साथ इस कोड को हम सॉर्ट कर सकते हैं, कर दूं ना करूं, ऐसे ऐसे तो हो गया जी सॉर्ट। हो गया ऐसे, काम कर लेंगे हम। तो मल्टीपल आइटम को रिमूव कैसे ऐड किया जाएगा ये बता दूं मैं आपको, चलिए जी बता देते हैं, क्या समझ में नहीं आया, आया समझ में, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी, ये कौन सा है मल्टीपल रिमूव करने का, इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी, और फिर क्या करूंगा यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, कर दिया इसको ऐसे, ठीक है जी, और ऊपर में मैं क्या करूंगा, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड, ऐड किस आइटम को कर दो, जीरो इंडेक्स को, ऐसे, ठीक, तो जीरो ही आइटम को ऐड कर दो और फिर जीरो आइटम को यहां से रिमूव कर दो, ठीक। चलिए जी हमारा काम बन गया, सेलेक्ट किया सबको, कर दिया इस पे क्लिक, इसमें सारा आ गया, ठीक। तो आप अगर चाहो तो क्या करो, नहीं बताओगे, फोटो खींच लो, ठीक, बड़ा कर दो, खींच लो जी फोटो, मल्टीपल आइटम को मूव करना है एक से में दूसरे बॉक्स में, समझ में आ गया सबको, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, समस्या नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप प्रैक्टिस करिए, फिर और भी समस्या क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कैसे समाप्त हो जाएगा, जैसे राजनेता के जुबान से सत्य समाप्त होने लगता है। खींच लिया आप लोगों ने फोटो, हो गया, आपने नहीं खींचा अभी तक फोटो, खींच गए, हो गया, चलिए जी हो गया तो अच्छी बात है, प्रोग्राम में रन कर देता हूँ, ठीक है, जावा भी नीचे है ना, दो ठो बटन हो अप एंड डाउन का, ठीक,
जावा पे क्लिक करके अप बटन पे क्लिक करूं तो ऊपर चला जाए जावा, डाउन बटन पे क्लिक करूं तो नीचे चला जाए जावा, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, क्यों होता अच्छा नहीं होता? तो क्या कहते हो, इसको अभी बता दूं या कल के लिए छोड़ दे, क्या कहते हो? कल के लिए छोड़ दें? चलिए जी कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? ठीक है जी, बाकी कल क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक, स्टॉप कर दो, ठीक है।